नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, भारतीय रेल अब सभी रेलवे स्टेशनों पर पूछताछ काउंटर को बंद करने जा रहा है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर भारतीय रेल सभी पूछताछ काउंटर को क्यों बंद करने जा रहा है। सभी पूछताछ काउंटर कब से बंद होने वाली है? पूछताछ काउंटर बंद होने का कारण क्या है? इन तमाम सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेन से यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। भारतीय रेल ने यात्री सुविधाओं में व्यापक पैमाने पर बदलाव करने की योजना बनाई है। इसके तहत रेलवे स्टेशनों पर मौजूद पूछताछ केंद्र को बंद करने का फैसला किया गया है। पूछताछ काउंटर के जगह सहयोग काउंटर खोलने की प्लानिंग की जा रही है। भारतीय रेलवे एक ही छत के नीचे सभी तरह की सुविधाएं कराने की योजना बना ली है। तमाम सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर पुराने मॉडल के तहत कार्यरत पूछताछ केंद्र को बंद किया जाएगा और उसकी जगह सहयोग काउंटर को खोला जाएगा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को लेकर कई तरह के बदलाव करने का फैसला किया है। यात्रियों सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन पर अब एक ही छत के नीचे सभी तरह की सुविधाएं मिलने लगेंगी। पूर्व मध्य रेल सहित देश के सभी स्टेशनों पर पुराने समय से चले आ रहे पूछताछ काउंटर को बंद करने का फैसला लिया गया है। रेलवे बोर्ड के पैसेंजर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीरज शर्मा की ओर से इस संबंध में सभी जोन को विशेष रूप से निर्देश देते हुए पूछताछ काउंटर को हटाकर सहयोग काउंटर शुरू करने को कहा गया है। सहयोग काउंटर से यात्रियों को ट्रेनों के आवागमन की जानकारी तो मिलेगी और साथ ही बुजुर्ग या फिर बीमार यात्रियों की व्हील चेयर भी उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें, किसी भी ट्रेन का चार्ट निकल जाने के बाद उसमें बर्थ की उपलब्धता की स्थिति की भी जानकारी इसी काउंटर से मिलेगी। रेल अधिकारियों का दावा है कि यह काउंटर काफी उपयोग साबित होने वाली है। इस काउंटर पर सबसे अधिक भीड़ लगने की संभावना को देखते हुए इसे पूरी तरह से हाईटेक बनाने की कोशिश की जा रही है। एक क्लिक पर किसी भी यात्री को पूरी जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश होगी। रेलवे की इस पहल को आखिर यात्री किस हद तक स्वीकार कर पाते हैं, इसका पता तो आने वाले दिनों में चलेगा। लेकिन इसको लेकर फिलहाल रेल प्रशासन और रेल कर्मियों में उत्साह दिख रहा है। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि भारतीय रेल सभी रेलवे स्टेशनों पर पूछताछ काउंटर को बंद करने जा रहा है। अगले महीने से सभी पूछताछ काउंटर बंद होने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में जानकारी देनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।